पंजाबी स्टाइल करेला बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और ये आप देख रहे हैं करेला एंड उसके छिलके। ये हम लोगों ने रात में ही ना इसकी पीसेस करके और इस पर ना पूरा नमक लगा के हम लोगों ने रख दिया था। नमक बहुत सारा लगता है इसके ऊपर और ये भी धो लिए हैं हम लोगों ने मॉर्निंग में, जिससे इसका कड़वापन पूरा निकल गया। अभी मेरा तेल जो है कढ़ाई में गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें करेले डालेंगे। सबसे पहले हम लोग करेले फ्राई करेंगे। और जो करेले है ना, ये हम लोग अभी जैसे मेरा जो ये था गैस था वो तेज आंच पे था जब तेल गर्म हुआ है, तो अभी मैंने इसको सिम कर लिया है। अभी धीरे धीरे जो ये करेले हैं ये फ्राई होंगे। इतने अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए कि करेले के अंदर तक पूरा जो तेल है ना वो मिक्स हो जाना चाहिए है। मैंने करेलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है ऑयल के साथ में। अभी मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगाऊंगी। ये ढक्कन लगाने का रीज़न ये है ताकि जो करेले हैं ना वो स्टीम में पक भी जाएं, फ्राई होने के साथ साथ में ये करेले पकेंगे भी सही। अभी मैंने लिड हटा दिया है और देखिए हल्के हल्के जैसे है ना, आप देखेंगे कि स्टीम में थोड़े से करेले पक भी गए हैं और थोड़े से वो फ्राई भी हो रहे हैं। दोस्तों जो करेले है ना, करेले बनाने का जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल सिम आंच पे फ्राई होते हैं। और जितने सिम आंच पे हम लोग करेले को फ्राई करते हैं ना, करेले जो है ना वो उतने ही टेस्टी लगते हैं। अभी मैंने इसमें कलर लाने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, तो अभी हम करेले में हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम करेले में। अभी मैंने ये लिड लगा दिया था, अभी अगेन मैंने ये लिड हटाया है। आप देखेंगे कि जो मेरे करेले हैं ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, मतलब ये हाफ़ फ्राई तो हो गए हैं। अभी मैंने ये करेले निकाल लिए एक प्लेट में। अभी अगेन मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद में हम इसमें डालेंगे जो हमारे करेले के जो छिलके थे वो हम इसमें डालेंगे। दोस्तों जब हम करेले के छिलके धोते हैं ना, तो हाथ में निचोड़ निचोड़ के इसका जो पानी है ना, जो उसका कड़वापन है ना, वो हमको निकालना है और 5 से 6 बार पानी में हमको इसको धोना है, करेले को भी और सेम करेले के छिलके को भी, जिससे इसका जो कड़वापन है ना और जो इसका नमक है ना वो धोते टाइम बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अभी जो करेले के छिलके हैं ये हम लोग फ्राई करेंगे एंड ये धीमी आँच पर हम फ्राई करेंगे। इसको ना कम से कम फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। सेम यही प्रोसेस हल्दी डाल के मैंने जो करेले हैं इसको, मैं करेले के जो छिलके हैं इसको मैं फ्राई कर रही हूं। 10 से 15 मिनट लगते हैं धीमी आंच के ऊपर इसको फ्राई करने में। मेरे जो छिलके हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। आप देखेंगे इनका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये फ्राई हो चुके हैं। अगेन अभी ये जो करेले के छिलके हैं ये निकाल लेंगे एंड कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे। जो तेल है मैंने कढ़ाई में 3 बार डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अभी मैंने इसमें प्याज डाले हैं, प्याज हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। एंड जो प्याज भी है ना, प्याज भी फ्राई करने का प्रोसेस ये है कि हमको पूरे अच्छे से लाल नहीं कर देने हैं, मुश्किल से 2 मिनट भी हमको फ्राई नहीं करने हैं प्याज। देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे जो प्याज है बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं एंड इन्हीं देखिए हल्का सा प्याज फ्राई हुआ है। अब दोनों चीज़ें हम लोगों ने प्याज के अंदर मिक्स कर दी हैं। अब ये तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना हम लोगों को जो ये तीनों चीज़ें जो है ना, करेला और धीमी आंच पे हम लोगों को ये फ्राई करना है। तो इसीलिए जो हमने प्याज है ना वो हमने कच्चे ही इसमें बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके हमने इसके साथ में मिक्स कर दिए हैं करेले के साथ में। एक एक मिनट के लिए जब आप छोड़ेंगे ना, तो नीचे से करेले अपने आप से हल्के सीमे आँच पर फ्राई होते जाएंगे। देखिए मेरे करेले का जो रंग है, अगेन मैंने थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है इन तीनों चीज़ों के अंदर, धनिया पाउडर डाला है। नमक हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी जो है ना हम लोगों ने रात में ही इसमें लगाया था। मिर्च डाला है थोड़ा सा, आप लोग अपनी स्वादानुसार मसाले डालिए, बट आप नमक प्लीज़ करेले जब आप फ्राई करेंगे तो आप नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि नमक अगर आप अगेन डालेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अभी ये देखिए इसका जो कलर है वो कलर चेंज होता जा रहा है, धीरे 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 करके कलर चेंज अब भी होता जा रहा है। अब बीच में हमने एक जगह बनाई है जिसपे हम लोग जो टमाटर है ना, मेरे लंबे लंबे कटे हुए टमाटर हैं, वो अगेन बीच वाली चीज़ में हम लोग जो होल बनाया है हम लोगों ने इसके बीच में,
उसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इसकी लिड लगा के ना इसको ना स्टीम करेंगे, ताकि जो ये टमाटर का जो स्टीम है ना इसमें ये पके। अभी मैंने लिड हटा के देखिए जो ये टमाटर है ना अच्छे से बिल्कुल ये स्टीम हो चुके हैं इसके साथ में। अब इसको हम टमाटर को अच्छे से करछी से फोड़ेंगे एंड करेले के बीच में मिक्स करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट करेले जो है ना और फ्राई करने हैं। फ्राई करने के बाद ये देखिए लास्ट जो है ये मेरे करेले पूरे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इतने सुंदर लग रहे हैं एंड इतने अच्छे लग रहे हैं। एंड जो उसका कड़वापन है ना वो रात में जो हम लोगों ने नमक लगाया था ना उसकी वजह से ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल हल्का सा बिटरनेस रहता है इसके अंदर। एंड ये जो है ना ये जो धीमी आँच पर जो हम लोग करेले फ्राई करते हैं ना इसको खाने का जो टेस्ट है जो मज़ा है ना वो बिल्कुल अलग है। आप करेले को किसी भी स्टाइल में काट के बना सकते हैं, बट आप अगर आप इस स्टाइल में बनाएंगे तो आपके करेले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैंने जो ये करेले की सब्जी है ये मैंने दलिया बनाया था उसके ऊपर